दीक्षित ज्वेलर्स, जीवनदीप निवास, बाईपास रोड, BCS, शिमला। सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने पत्रकार वार्ता के दौरान कैबिनेट से इस्तीफा देने का ऐलान किया। विक्रमादित्य सिंह ने कहा कि मुख्यमंत्री की कार्यप्रणाली से कई विधायक नाराज थे और वर्तमान परिस्थिति में इस सरकार में बने रहना मेरे लिए ठीक नहीं है, इसलिए मैं मंत्री पद से इस्तीफा दे रहा हूं। उन्होंने कहा कि विधायकों की अनदेखी हुई है जिसके कारण हम आज इस कगार पर खड़े हैं। वहीं विक्रमादित्य सिंह ने आरोप लगाया कि पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह की मूर्ति के लिए 2 गज जमीन तक नहीं दी गई, ये कहते हुए वे बेहद भावुक हो गए। फैसला लिया है कि इन द प्रेजेंट सिनेरियो एंड इन द प्रेजेंट सर्कमस्टेंसेस मेरा इस मंत्रिमंडल में बने रहना मुझे लगता है कि सही नहीं है, इसलिए मैंने इस्तीफ़ा देने की पेशकश करी है और मैं अपना इस्तीफ़ा मुख्यमंत्री जी को दूंगा। और आने वाले समय में जैसा मैंने कहा है कि अपने पार्टी के और लोगों के साथ, समर्थकों के साथ बात करके और पार्टी हाईकमांड के साथ बात करके फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जो है वो डिसाइड किया जाए। नहीं, अभी ऐसा कुछ नहीं है। सर, आपने कहा कि विधायक, मैं इसके ऊपर मीडिया में कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पार्टी हाईकमान के हमारे ऑब्जर्वर्स यहाँ पर आ रहे हैं और ऑब्जर्वर्स ये निर्णय लेंगे कि क्या होना है। मैंने कहा कि मुझे पता है कि मुझे लक्ष्मण रेखा को कहाँ पे जो है वो रोकना है और उसके आगे पार्टी हाईकमान डिसाइड करेगा कि क्या करना है। अरे, मैं नहीं कह सकता हूँ, मैं सिर्फ अपने बारे में बात कर रहा हूं और जो एक जनरल सेंटिमेंट है उस चीज़ को मैंने आपके सामने पूरी मजबूती से रखा है। बाकी क्या फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन होता है, क्या फ्यूचर इवेंट्स होते हैं, दैट द टाइम विल डिसाइड कि क्या आने वाले समय में क्या परिस्थितियां जो है वो प्रदेश के अंदर बनती है। कांग्रेस हाईकमान से कुछ करेंगे, आज उनसे बात करेंगे। मैं नहीं कह सकता हूँ कि क्या कारण थे या क्या कारण नहीं थे। वो जो है वो कारण जो है वो वही कहेंगे कि किस कारण की वजह से ये हुआ है, मगर ये मैं ज़रूर कह सकता हूँ और पूरी मजबूती के साथ कह सकता हूँ कि मैं बहुत आहत हूँ कि इस तरीके की जो घटनाक्रम हुए है वो एक अच्छी टेस्ट के अंदर नहीं हुए। सर, क्या बीजेपी करी है? वो उनकी अपनी बात है, मैं उस चीज़ पे नहीं कहना चाहता हूँ। जो मैंने कहना था वो मैंने स्पष्ट रूप से कह दिया है। सिटी चैनल के लिए रामपुर बुशहर से विशेश्वर नेगी की रिपोर्ट।